हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी, बाज़ार के रेडीमेड मसाले से झटपट से बन जाएगी। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया, उसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और एक चम्मच अदरक लहसुन डालकर मैरिनेट किया है और एक चम्मच सिरका डाल दिया। इसको 2 घंटे के लिए रख दिया है। इधर हमने 3 प्याजे ली, इनको मिक्सी में पेस्ट बना लिया। बारीक सा मिक्सी में पीस लें। ये हमारे पास सुहाना निहारी मसाला है, इस पे सारे इंस्ट्रक्शन पीछे लिखे हुए होते हैं, आप उसके थ्रू बना लें, नहीं तो मेरा मेथड यूज़ कर लें। बहुत आसानी से बन जाता। पिसी प्याज का पेस्ट था। एक कढ़ाई में हमने 3 बड़े चम्मच तेल लिया, रिफाइंड तेल लिया। हमने ये प्याज का पेस्ट जो पीसा था, 3 प्याजों का, वो भूना। प्याज हमें अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी बिल्कुल कचान निकल जाए। 1 चम्मच अदरक लहसुन मैंने उसमें डाल दिया था मैरिनेट करते वक्त चिकन, 1 चम्मच इसमें डाल दिया, ये फ्रीज्ड हुआ हुआ है मेरा। इन दोनों को अच्छी तरह भुनने देंगे। 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमने चिकन में भी डाला है, चिकन में हम उतना ही डाल दें कि चिकन का फीकापन निकल जाए। रेसिपी के अकॉर्डिंग इसमें डाल रहे हैं। यही अब जो सुहाना का निहारी मसाला था, ये 2 बड़े चम्मच डाला है मैंने। इसको डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। बाज़ार के रेडीमेड मसाले से बनाने से बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको घर के मसालों से बनाना है तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, देख लीजिए, चिकन निहारी मसाला विथ होममेड। अब हमने मैरिनेटेड चिकन डाला, इसको भी खूब अच्छी तरह भून लिया है। हमारी प्याज अदरक लहसुन हम पहले ही बहुत भून चुके थे, अब चिकन भून रहा है। इधर हमने एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालकर उसका पेस्ट सा बना लिया है। निहारी के लिए जो हम पेस्ट बनाते हैं वो ये है। इधर हमारा चिकन भून रहा है खूब। इसमें से अब हम सारा रोगन उतार लेंगे, जो ऊपर की तरी होती है, क्योंकि जब हम कॉर्न का पेस्ट डालते हैं कॉर्नफ्लोर का तो वो सारी तरी पी जाता है, इसलिए इसकी तरी निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बाद में इसकी तरी इसके ऊपर से डाल देंगे। अब हमने जब सारी तरी उतार ली तो हमने जो है कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट बना के रखा था, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच पानी से, वो हम इसमें डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। 5-7 मिनट भूनना है इसे, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए और वो चिकन के साथ मिक्सअप हो जाए। 5-8 मिनट इसे भूनिए। अच्छी तरह से ये भून गया तो हमने इसमें 1 छोटा गिलास पानी डाला है। आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालें, जितनी आपको ग्रेवी पसंद है। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, 5 मिनट पकने दीजिए। हमारी निहारी पक गई है। इधर हमने अदरक के जूलियंस काट रखे हैं, बारीक हरी मिर्च और वो तरी है, इसके ऊपर अदरक के जूलियंस डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, तरी हम सर्व करते टाइम डालेंगे। ये देखिए हम चिकन निकाल रहे हैं, इसके ऊपर से बाद में तरी डाल देंगे। और अदरक हरी मिर्चों से सजा के सर्व करेंगे।